लोकसभा चुनाव को लेकर कल प्रदेश में तीसरे चरण पर 9 सीटों पर मतदान होने हैं, जहां मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जहां कल 127 उम्मीदवारों की जीत हार के लिए 1.77 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान कल होना है, ऐसे में आज मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया, जिसके बाद सभी मतदान दल अपने अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए। ग्वालियर लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव में 21,54,000 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। ग्वालियर जिले में कुल 1,680 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 471 मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखे गए हैं। जिले में 100 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहीं 75 पिंक बूथ होंगे, जहां मतदान और सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाएं निभाएंगी। वहीं चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि हम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए तैयार हैं। ग्वालियर जिले में 1,680 बूथ है जहां कल मतदान होना है, तो आज 1,680 हमारे मतदान दल अपनी सामग्री और ईवीएम लेकर के यहां से रवाना हो रहे हैं। प्रातः 6 बजे से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ किया था, और जो दूरस्थ हमारे क्षेत्र हैं भितरवार, डबरा, ग्वालियर ग्रामीण, इनकी टीम्स आज लगभग 11 बजे यहां से कम्प्लीटली रवाना हो चुकी है, और मुख्यालय वाले जो हमारी विधानसभा है उनकी टीम्स अभी सतत यहाँ से सामग्री लेकर के निकल रही है। गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने अपने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था बड़ी व्यवस्थित तरीके से प्लान करी थी, चाहे वो मिस्ट फॉग के माध्यम से हो, मिस्ट फैंस हो, आने वाले सभी पोलिंग पार्टीज़ को हमने सांची का छाछ निःशुल्क पिलवाया। इसके बाद में पेड कैंटीन्स थी जहाँ से वो लोग नाश्ता कर सकते हैं, और बूथ पर पहुंचने के बाद भी उनके पास में आवश्यक सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुनिश्चित की गई हैं, चाहे वो पानी हो, लाइट हो, पंखा हो, इनफैक्ट कहीं कई पोलिंग स्टेशंस पर तो कूलर की भी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों में यदि हम देखें तो हमने 100 से अधिक मॉडल मतदान केंद्र क्रिएट करे हैं, और 75 ऐसे बूथ्स हैं जो कम्प्लीटली महिला टीम के द्वारा मैन किए जाएंगे। 6 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे दिव्यांग साथी हैं वो पूरी मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। इसके अतिरिक्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट बड़े व्यवस्थित तरीके से किया गया है, जिससे कि पूरा कंट्रोल हमारा रहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे। हम लोग पीसफुल पोल कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और ऐसे कोई भी व्यक्ति यदि इस पीसफुल पूरी प्रोसेस को अगर हार्म करने का प्रयास करेंगे तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारी टीम तैयार है। सामग्री में देखिए बहुत सारे स्टैट्यूटरी फॉर्म्स होते हैं, कागज़ होते हैं, फॉर्मेट्स रहते हैं। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट होती है। इसके अलावा हम लोगों ने इस बार एक वेलकम किट भी अपने टीम्स को दिया है, जिसमें कुछ बेसिक नमकीन है, बिस्किट्स हैं, साबुन है, शैम्पू के पाउचेज हैं, ORS और आमपना, जलजीरा, इनके सैशेज हैं, और जहाँ हमारे महिला कर्मी जा रहे हैं उसके इनके इस किट में हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स भी रखवाए हैं। तो कुल मिला के एक प्रयास है कि उनका पहुंचते ही जो एक्सपीरियंस है हमारे दल का वो कंफर्टेबल हो। बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने करीब 66 लाख रुपए पकड़े हैं। इसके अलावा 35,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इस दौरान 170 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में कुल 59.52% मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।